सावन का महीना जहां भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए सर्वोत्तम होता है, वही एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे में सावन की पहली एकादशी यानी कामिका एकादशी व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सावन कामिका एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय शनिवार 23 जुलाई सुबह 11:27 से, एकादशी तिथि समापन समय रविवार 24 जुलाई दोपहर 1:45 तक। उदय तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई 2022 को रखा जाएगा। वहीं व्रत के पारण का समय सोमवार 25 जुलाई को सुबह 5:38 से 8:22 तक रहेगा। जो लोग कामिका एकादशी व्रत रहेंगे वे भगवान विष्णु की पूजा प्रातः काल से कर सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही वृद्धि योग है। इस दिन के योग और नक्षत्र शुभ है। कामिका एकादशी पूजा विधि इस प्रकार है। कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले पूजा के मंदिर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा की तैयारी शुरू करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। भगवान को फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत और तुलसी आदि अर्पित करें। भगवान को तुलसी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़े या सुने। अंत में आरती करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनना यज्ञ करने के बराबर है। कामिका एकादशी व्रत कथा के अनुसार किसी गांव में एक शक्तिशाली व्यक्ति और ब्राह्मण रहते थे। दोनों का आपस में बैर था। एक दिन दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ गए। आपसी विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि गुस्से में शक्तिशाली व्यक्ति ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसके बाद उस शक्तिशाली व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, जिसके बाद उसे समाज से तिरस्कृत कर दिया गया। वे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक ऋषि के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि उसे ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। ऋषि ने उस व्यक्ति को ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। साथ ही उस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए भी कहा। माना जाता है कि उस व्यक्ति ने ऋषि के कथा अनुसार ऐसा ही किया, जिसके बाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसे ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्ति मिल गई। अतः आप भी पूरी विधि विधान के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करके पुण्य फल प्राप्त करें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।